मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? ओके, तो मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में हम एक नए चैलेंज की बात करने वाले हैं। उस चैलेंज में क्या है और वो चैलेंज मैंने क्यों लिया, ठीक है? सो बात करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये चैलेंज है हेयर कंडीशन, मतलब नॉर्मल कंडीशनर वाला। जैसे कि मैं सिर्फ संडे टू संडे कंडीशन यूज़ करती हूँ अपने बालों में, ठीक है? लेकिन इस बार मैंने सोचा, मैं हफ्ते में 3 बार शैम्पू करती हूँ, तो मैं उन 3 दिन में से सिर्फ 1 दिन में कंडीशन यूज़ करती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं कंडीशन 3 दिन पर ट्राई करती हूँ और उसमें डिफरेंस क्या होगा और मेरे बालों में क्या फ़र्क मुझे पड़ा वो मैं बताऊँगी। तो काफ़ी कुछ मैं उसके साथ यूज़ करती हूँ, लाइक कोई ना कोई मास हो गया या कभी ऑयल हो गया या कभी डिफरेंट ऑयल ट्रीटमेंट। तो आज है डे 1। तो डे 1 की अगर बात करें तो मैंने कंडीशन यूज़ किया था। मेरे को आज अपने बालों में ब्लैक टी लगानी थी, तो ब्लैक टी नॉर्मल विद शैम्पू मैंने उसे यूज़ किया था और नॉर्मल कंडीशन लास्ट में। तो उसके बाद जो मैं बाल काफ़ी सॉफ्ट रहे, लेकिन बालों में ना बहुत फ्रिज हो गए। ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों, या तो मैंने उसके बाद तो अपने बालों को बांध लिया था थोड़े से ड्राई होने के बाद, तो उस वजह से हो सकता है। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा रहा, नीचे से काफ़ी मेरे जो एंड्स है वो सॉफ्ट हो गए। तो डे 2 पे मिलते हैं। तो एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्लैक टी एंड कॉफ़ी, ठीक है? सो बात करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइस, तो आज डे 2 है। मैंने आज कंडीशन विद रोजमेरी DIY ऑयल के साथ मैंने किया था, तो कंडीशन ठीक रहा, मेरे बाल सॉफ्ट थे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि बाल मेरे फ्रिज क्यों हो गए। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। हेयर फॉल की बात करूँ तो मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ और कंडीशन भी ठीक था। और मैंने जो कंडीशन यूज़ किया था नीचे से यहाँ तक, कई बार कुछ कंडीशन होते हैं आप ऊपर भी स्कैल्प पे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं फ्रिज की बात करूँ तो मेरी ये जगह से यहाँ तक बहुत ज़्यादा फ्रिज हो गए थे। पहले जब वॉश किया था मॉर्निंग में, तो धुलने के बाद तो इतना नहीं, जब बाल ड्राई हुए तब पता चला। लेकिन दिखने में अच्छे लग रहे थे, इतने बुरे नहीं लग रहे थे। लेकिन अगर आप लाइक कोई भी प्रोटेक्टिव स्टाइल करते हो, जैसे कि चोटी या कुछ, उसके बाद जब आप बाल खोलते हो तो बहुत बुरे लग रहे थे। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने ठीक किए हैं। और कंडीशंस अगर मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी नीचे ये जो जगह मेरे यहाँ पे सॉफ्ट बहुत रहे हैं और स्मूथ भी अच्छे रहे, लेकिन जो फेस है उसका कुछ करना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो मैं गलत कर रही थी, मैं जैसे पहले शैम्पू से पहले हमेशा कंडीशन यूज़ करती थी तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता था। तो मैं शैम्पू, इस बार शैम्पू के बाद कंडीशन ट्राई कर रही हूँ, तो हो सकता है उस वजह से मेरे बाल फ्रिज हो रहे हैं। तो मैं इस बार ये मेथड उल्टा करके देखती हूँ। तो फिर हम डे 3 पे मिलते हैं।